एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि आपको आयुर्वेद ही कहता है, चरक महर्षि के शिष्य वाग्भट्ट जी अपने आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहते हैं, बकायदा इसके लिए कुछ संस्कृत में श्लोक भी है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर उसका सार यही है और मतलब की बात यह है कि खीरा और दही का जो मिक्सचर जिसको हम रायता कहते हैं उसका सेवन आप ना करें। अगर आप करते हैं तो आपको अलग अलग तरह की बीमारियाँ या अलग अलग तरह के बुखार होते हैं। अगर अभी खा रहे हैं, हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो सीज़न बदलते वक्त आपको हो सकता है, आपको लगेगा कि ये तो मौसम के बदलने पे होने वाला बुखार है या बीमारी है। पर ऐसे कई लोग हैं जिनको मौसम के बदलने पे कोई बीमारी या बुखार ऐसा कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो अपनी अपनी इम्यूनिटी जो आप उसको बरकरार रखना चाहते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से आपको अभी इसका साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि विरुद्ध आहार में आता है खीरा और दही के मिक्सचर का रायता, आप रायते में कुछ और डाल दीजिए ना, प्याज टमाटर या किसी और वेजिटेबल का रायता बना दीजिए, इसको अवॉइड करने के लिए कहता है आयुर्वेद। ठीक है, दैट्स इट। और बड़ा अच्छा लगता है ये।